अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल चिश्ती और अपना प्रोग्राम अपनी बैठक की दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस अंदर मेरे नाल मेरे कलीग्स जैतून ग्रुप के इंप्लाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मेरे दोस्त मौजूद ने। शेर शायरी नाल चंगा लगाव रखते हैं, इंशाअल्लाह इन्हां नाल गपशप होएगी तो ये चलांगे वीडियो चलावांगे। एक अकीद तन शेर तो आगाज़ करना, उसके बाद फिर इन्होंने गपशप करने हैं। शान मेरे नबी का बराउल बरा, उनका साया ज़मीन पर न पाया गया। नूर आदम में था मेरे महबूब का, तब ही आदम को सजदा कराया गया। और उनकी उल्फत बिना कोई मोमन नहीं। शान कुरान में ये बताया गया, मेरे आका इमाम सफ़े अम्बिया, उनको चिश्ती अरश पे बुलाया गया। मेरे आका इमाम सफ़े अम्बिया, उनको चिश्ती अरश पे बुलाया गया। इस तरह पहले तुम पसंद की उम्मीद इंशाअल्लाह ये वीडियो तुम बड़ी पसंद आएगी। प्रोग्राम अपनी बैठक के अंदर ऐसी मौजूद हाँ, मेरे नाल मौजूद ने मेरे दोस्त जनाब गुलाम अब्बास साहब अकाउंटेंट यूनिवर्सिटी और गौर अब्बास अकाउंटेंट जतून लाइफ स्टाइल। चलो इन्होंने गपशप करने हैं, कोई दो दो चार चार शेर सुनने हैं। शायद तो नहीं पता होगा, चलो अज तारफ करवा देना। गौर साहब जो खुद शायर भी ने अपनी जी पहली गज़ल वो इंशाअल्लाह सुनाएंगे। ऑफिशियली तौर पर जी लॉन्च हो चुकी है तो उन्होंने तो पहले जो गुलाम अब्बास साहब गपशप लाने हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो अपनी जिंदगी की मेहनत काम कितों कदों का शुरू किया, की जिंदगी विच कीता और शायरी नाल किस तरह लगाव बनिया? शायरी नाल लगाव तो मैटर तो नहीं अच्छा खासा हो गया है। और ये अपनी जॉब है ये 2011 को शुरू की थी। अच्छा 2011 तो मैट्रिक तो बाद जी उस तालीमी जारी रखी है और नाल जॉब रखी है। बीकॉम जबरदस्त है यार। चलो कोई अपने पसंदीदा एक दो शेर जड़े ने जड़े तुम किसी शायर के साथ तो बेहतरीन लगते हैं जी। और मेरे ज़मीन दे नजरा में अदब के शेर हैं। ये फ़ज़ाने नज़र था या के मकतब की करामत थी, ये फ़ज़ाने नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखे है जबरदस्त। अगले दो चार से मैं हिंदुस्तान देगा पिछड़े तो मुझसे हबीब मेरे, उदास होना तो लौट आना। पिछड़े तो मुझसे हबीब मेरे, उदास होना तो लौट आना। अकेलेपन की ये पहाड़ रातें ना काट सकना तो लौट आना। पराए देशों में कौन तुझको सिवाय मेरे मना सकेगा, पराए देशों में कौन तुझको सिवाय मेरे मना सकेगा। किसी से यूं ही मिजाज झगड़े में लौट जाना तो लौट आना। जबरदस्त माशाल्लाह। गुलाम अब्बास साहब ने बड़े जबरदस्त किस्म की शायरी सुनाई है सर ने। वो आजकल बशर फसादी है, जो हक गल करन दा आदी है, हर सच्चा जुमला कड़वाए, हर झूठा बोल सवादी है। गल झूठी सब न पचदी है, सच सुनना आजकल आबादी है। जो हक ते बादल ना समझे, खलकत कितनी सादी है। जिस कौम का हाकम जालम है, उन चिश्ती मार खुदा दी है। चलो इस करके जरा तो गौर अब्बास साहब नाल मुतारफ करने और उन्होंने उन्होंने पहली लिखी गज़ल आज सुनने जी। गौर साहब की हाल चाल है? कितों शायरी का शौक पैदा, किस तरह लिखने का ध्यान आया? अज इंशाल्लाह तुम अपने सामीन जी पहली गज़ल भी सुनाओगे तो मुख्तसर के टाइम के अंदर इसमें इंशाल्लाह अगे बताने हैं। तकरीबन इंटर के शुरू में मतलब कि शायरी नाम मिर्जा गालिब साहब इन्होंने शायरी पढ़ी तो बड़े लगाओ तो 4-5 साल तो मतलब कि शायरी का शौक भी लिख रहा। लेकिन पहली कदम मेरी तारीख लेकिन वैरीफाई करवाई है मुझे उस्ताद भी जनाब इकबाल साहब ने ते मैं पहली गज़ल लेना थी नज़र। तू मेरी है जिंद जान सजन तू मेरा है मान सजन तेथों वखरा रहना नहीं दिल ने लई है ठान सजन तेरी दीद सुकून दिल दा है तेरी दीद सुकून दिल दा है तैथो जिंद कुर्बान सजन तेरे बाजो मर जावांगा तेरे बाजो मर जावांगा प्यार मेरा ईमान सजन तेरी दूरी सह नहीं सकते तेरी दूरी सह नहीं सकते दिल मेरा नादान सजन गौहर मुक्ति गल मुका दे तू मेरा है दीन ईमान सजन गौहर मुक्ति गल मुका दे तू दीन ईमान सजन नौकर ते सुल्तान बराबर नहीं होंदे आखिरी दो मिसरे मालक ते दरबान बराबर नहीं होंदे अशरफ अल मखलूक दा नुक्ता दसदा है बंदे ते हैवान बराबर नहीं होंदे उनदा फर्क इंसाना दे किरदारां विच चिश्ती सब इंसान बराबर नहीं होंदे। इंशाअल्लाह मिलने अगली वीडियो विच, उदों तक अल्लाह हाफिज़।